ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਬੱਬ ਦੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਬੇ ਹਾਰਡਰ ਅਬੇ ਹਾਰਡਰ ਯਾਓ ਆਮ ਅ ਰਾਈਡਰ तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार भाई वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो भाई आज हम लोग खेल रहे सोलो वर्सेस डुओ और हम लोग उतर रहे हैं भाई कहाँ पे फैक्ट्री पे भाई आप सबकी फेवरेट जगह भाई मैंने सामने देखा कि मैंने एक डुओ आ रहा है बट मैंने स्कैन में देखा तो भाई मेरी फट गई भाई इतने बंदे आ रहे हैं मतलब भाई मैं अकेले बच्चा बेचारा कैसे सर्वाइव करूँगा फिर भी मैंने सोचा भाई नीचे उतरने से मैं चिमनी पर उतर जाता हूँ वहाँ पर भाई दो तीन बंदों को ऐसे ढेर कर दूँगा यहाँ पर भाई नीचे उतर ही रहा था कि भाई मैं नीचे उतरा और यहाँ पे भाई मेरे साथ दो बंदे आ गए अब मेरे फट गई मैं तेजी से दौड़ के भाई एक को तो नॉक कर दिया पहले ही के मैंने बोला पहले फुर्सत में निकल और यहाँ पे भाई मैंने दोनों को दूसरे को ही मार दिया ये पहला भाई मेरा नीचे चल गया किल भाई क्या ही करूँ मैं अब यहाँ पे मुझे मिल गई भाई मेरी AWM तो मैंने एक को दिया 150 का बॉडी शॉट और भाई मैंने अपनी सेकेंड गन सेलेक्ट नहीं की थी इसलिए मेरा गन स्विच नहीं हुआ मैंने भाई वो नॉक हो गया तो मैंने अपना किल फिनिश कर लिया कि भाई कम से कम वो किल ना चोरी हो जाए अब भाई वहाँ पे कोरोनो की लड़ाई तो चल रही थी बट मेरा गेम ही भाई पता नहीं क्या हुआ ग्लिच करने लग गया तो भाई मैं इधर पहले ही लोग को बॉडी दे देता हूँ एक बंदा तो भाई डर के मारे नीचे कूद गया भाई मैं उस पर ड्रैग ही करता रह गया बट मैं उस पर स्कोप ही नहीं खुला मैं बस छोड़ जाने देता तो मैं ये लोग का तंग कर रहा था भाई ये लोग पूरा टीम अप के मूड में था क्योंकि भाई मेरे हाथ में गन थी और ये लोग नाच बसंती वाला भाई सीन था मैं सोचा यहाँ से सर एमो उठा लूँ बट इसमें तो एमो ही नहीं थी तो मैं नॉर्मल की मैं स्क्रीन ग्लिच कर रहा था तो मैंने सोचा गेम्स रीस्टार्ट करूँ बट पहले मैं सोचा ये लोग को एक दो बॉडी चटका के जाऊँ ताकि ये लोग आराम से बैठ के अपना हील करे तब तक मैं आराम से अपना गेम बंद करके आ जाऊँगा पर भाई ये मैं क्या देख रहा था भाई यहाँ पे तो ये लोग टीम अप करने के मूड में थे तो मैं भी थोड़ा सा भाई टीम अप कर रहा था देखता हूँ लोग कितना ज़्यादा टीम करते भाई नीचे प्लाज्मा वाला बंदा भी है तो मुझे उससे बच के रहना है मैं सोचा एक को हिट दे ही दूँ बट फिर मैंने सोचा छोड़ो क्या चीटिंग करना भाई भाई बोला जब टीम अप करे तो मैं भी करूँगा भाई एक तो कोरोना ऑन करके टीम अप कर रहा है मतलब कोई भरोसा ही नहीं है भाई टीम अप कर रहा है तो मैं जाता हूँ भाई गेम रिस्टार्ट करके आता हूँ दो सेकंड में भाई मैं गेम रिस्टार्ट करके आ तो गया वापस और मैंने देखा कि भाई वो लोग में से कोई नीचे है ही नहीं भाई एक अकेला एक बंदा नीचे भाई जिसके पास मुझे लग रही थी भाई प्लाज्मा है बट सामने कुछ नहीं था इसलिए मैं भाई नीचे कूदने का सोचता हूँ पर फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि भाई कहीं नीचे उसके सामने सही में प्लाज्मा तो नहीं है जब मेरे भाई गारंटी हो जाती है तो मैं भाई नीचे कूद जाता हूँ पर और इसे एक हेड भी दे देता हूँ जो कि आपने क्लिप स्टार्टिंग में देख ही लिया क्या बार बार अपनी तारीफ करो भाई यहाँ पे मैं थोड़ा उसे चिरा रहा था क्योंकि मैं मुझे स्पेक्टेट कर रहा था मैंने हील लगाया कैसे अपना थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा था अब मैं भाई यहाँ से थोड़ा स्पीड कर देता हूँ पोर्शन ताकि आप लोग अच्छे से भाई लूटिंग में देख सकूँ मैं देखो मैं लूटिंग बैठ के अब भाई आपको मेरे को आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है भाई मेरा मैं भाई मंडे को वीडियो नहीं डाली मैंने सैटरडे को मतलब मैंने फ्राइडे को वीडियो नहीं डाली भाई रीज़न एक ही है भाई क्योंकि मुझे भाई मेरा ई स्पोर्ट्स चल रहा है अभी भाई जियो का भाई मेरा पूरा फोकस उस पर है अभी कुछ दिन तक आप लोग रुक जाइए भाई अभी मेरा वेनसडे को मैं लास्ट मैच हुआ है बट मैं ये वीडियो पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ ट्यूसडे को तो भाई वेनसडे को कैसा जाएगा मैच ये तो आपको भाई मंडे को पता चलेगा या फिर मैं एक भाई शॉर्ट वीडियो करके भी संडे को डाल दूंगा अगर मैं वेनसडे को जीतता हूँ तो भाई विश करिए भाई कि जीत ही जाऊँ भाई वेनसडे को क्वालिफाई कर गया हूँ मैं और वेनसडे को भाई मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई लिंक मैंने वेनसडे वाले वीडियो के नीचे तो मे बी आप लोग जाके देख सकते हो कि मेरा गेम में क्या हुआ रीप्ले करके देख सकते हो मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा और वीडियो में बता भी दूंगा किस जगह पे भाई कौन सा नंबर पे मेरा मैच हुआ है ये भाई बहुत सारे मैच होते हैं एक मैच तो होता नहीं है भाई चलो बैक आते हैं भाई गेम पे तो भाई मुझे लग रहा था यहाँ पे एक बंदा है टावर पे बट जब मैं ऊपर चढ़ता हूँ भाई बंदा कोई रहता ही नहीं है भाई यहाँ पे सिर्फ लूट रहती है जो मैं उठा लेता हूँ उठा के मैं यहाँ से भाग लेता हूँ भाई अब जा ही रहा था मैं पोचिनॉक की तरफ कि तभी मुझे क्लॉक टावर साइड से फायरिंग की आवाज़ आती है तो भाई पहले मैं पोचिनॉक की तरफ एक बार ही चक्कर मारता हूँ पर भाई जब गारंटी हो जाती है कि मुझे मैं क्लॉक टावर बंदा है तो मैं सीधा क्लॉक टावर पे चल देता हूँ क्लॉक टावर मुझे कोई बंदा दिखता नहीं तो मैं सोचा भाई एक बार इस टावर पे चढ़ के देख लेता हूँ कि टावर से भाई क्लॉक टावर का व्यू एकदम क्लियर होता है भाई जैसे ही मैं टॉक टॉक टावर मतलब भाई कुछ भी यार ब्रेन भाई टॉक टावर
एक क्लॉक टावर पे चढ़ते रहता हूँ ऐसे मुझे भाई मुझे मेरे ऊपर चलने लगती है भाई कहीं से M82 भी मेरे ऊपर नहीं चल रही होती असल में लेकिन मुझे लगता है गेम के दौरान कि मेरे ऊपर चल रही होती है पर मेरे ऊपर नहीं वो आसपास एक जगह फायर हो रहा था जहाँ ड्रॉप दिख रहा है भाई उसी साइड से एक बंदा आया वहाँ पे M82 भी चला रहा भी भाई एकदम साइलेंस मतलब मुझे तो उसकी साइलेंसर चाहिए भाई भाई सामने पीछे साइड में जिधर मैं देख नहीं रहा हूँ उसके जस्ट अपोजिट साइड यहाँ पे भाई देखो कोरोना आपको दिखा होगा भाई यहीं पे रहता है बंदा और यहाँ पे देखिए भाई क्या ही मैं हेडशॉट देता हूँ उसे भाई वो पहले एक बंदा रहता है मैं उसे एम लेता हूँ लेकिन मैं सोचता हूँ उसको पहले मरने दो वो मर गया भाई उसको लूटने आएगा मैंने पहला शॉट मिस किया पर दूसरा नहीं भाई एक शॉट मिस करता है कोई दो शॉट नहीं मैं भाई दो सेकंड रुकता हूँ कि कहीं उसको कोई टीममेट ना हो तो जब कोई नहीं होता तो मैं चल देता हूँ उसके पास ही भाई मैं यहाँ पे कट कर दूंगा सीन क्योंकि भाई क्या मैं आपको लूट करते हुए अपना दिखाऊं और मैं भाई आपको एक बहुत ही अच्छी टिप दूंगा भाई अगर आपको ये सब जैसे टावर्स पे कैंप करना है तो भाई जैसे आपको इस टावर पे कैंप करना है जो फैक्ट्री के जस्ट इधर साइड है आपको दो लैंडमाइन होनी चाहिए बस एक लैंडमाइन जाके जिधर मैं लगा रहा हूँ भाई यहाँ पे जाके बस लैंडमाइन लगा दो फैक्ट्री से भी कोई भी बंदा आएगा आप पे रश करने भाई वहाँ पे कोई भी बंदा रुकता है कोई भी दिमाग वाला बंदा वहीं पे रुकता है तो वहाँ पे भाई एक लैंडमाइन लगा दो और एक यहाँ लगा दो और फिर आप इधर आके तो मतलब इधर इस डिब्बा के अंदर आके बैठ जाओ जैसे ही फुटस्टेप आए भाई यहाँ आके बैठ जाओ भाई आराम से बंदे को आप टपका दीजिएगा अब भाई मुझे दो बंदे दिखते हैं भाई सामने ड्रॉप पे जिसमें से मैं एक को भाई मैं सोच रहा था आराम से लूटते वक्त दे और उसने मुझे साथ से देख लिया तो मैं उसे 150 का एक बॉडी देता हूँ तब तो मैं दूसरे बंदा भी मुझे भागते हुए दिखता है पर मैं रीलोडिंग पर आ गया था तो मैं उसे कुछ कर नहीं पाया और एक भाई बंदा मुझे पीछे दिख जाता है बट मैं वो सीन को काट दिया था तो अब भाई देखते हैं भाई उसके उन लोग के पास ही चल के मारते हैं वो लोग को भाई मैं यहाँ से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ उन लोग के पास जाने के लिए क्योंकि भाई ऐसे भी जाना है क्योंकि मेरा जोन देख लो भाई जोन मेरा गेंस जाने वाला है और आप लोग पूछेंगे भाई लोग मुझे ये सब कैसे पता भाई मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैं बाद में वीडियो को भाई वॉइस ओवर कर रहा हूँ भाई देख लीजिए जोन जाने वाला है भाई मेरे अगेंस्ट पूरे फैक्ट्री के एकदम अपोजिट साइड तो मैं इसे जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. Do you have any idea? I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. भाई यहाँ पे भाई मैं फास्ट फॉरवर्ड बंद कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है यहाँ पे मुझे वो दोनों दिख जाते हैं और वो दोनों फिर मुझे देख लिया था और वो जो दो बंदे बचे हुए थे भाई पांच में से अब भाई वो दोनों भी एलिमिनेट हो जाते हैं पता नहीं क्यों मेरे जोन से कैसे मर जाता है भाई पता नहीं अब भाई जोन से तो मैं भी बहुत बार मरा बट लास्ट जोन में आके कौन मरता है भाई सबसे पहले जोन में मरता तो कोई बात भी होता भाई यहाँ पे मैं उन लोग के ऊपर एंगल लेने का ट्राई करता हूँ बट वो लोग तो भाई उल्टा मेरे ही ऊपर एंगल ले रहे थे भाई भाई पूरा फैक्ट्री के अंदर वो लोग भाई पूरा घूम के उल्टा मेरे ऊपर कवर ले रहे थे भाई यहाँ पे तो जा रहा है वो लोग हाँ मैं जान देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था भाई वो लोग ने मुझे नहीं देखा पर वो लोग मुझे देख चुके थे और वो लोग पीछे से भाई घूम के आने का प्लान कर रहे थे अब भाई मुझे फुटस्टेप आता है या फिर आप लोग भी सुन सकते हो मैं वॉल्यूम हाई कर दिया था भाई मैं वॉल्यूम हाई कर दूंगा गेम का आपको भी सुनाई देगा कि भाई वो लोग पीछे से आ रहे मैं भाई देखा तो भाई वो लोग सही में पीछे से आ रहे थे भाई वो लोग सही में भाई दिमाग के लोग भी तेज थे बट भाई एक ग्रेनेड भाई पूरा गेम पलट सकता है यार भाई देखते जाओ बस आप यहाँ पे भाई इस टावर पे कैंप करने का बस सबसे बेस्ट तरीका है भाई क्योंकि यहाँ पे बस बैठ जाओ और वो लोग देखो भाई हवा आया था 150 का पहले मैंने एक बंदे को बॉडी दिया दूसरे बंदे को मारने जा ही रहा था कि भाई मुझे नीचे से पड़ती है दूसरे बंदे को देखो भाई यहाँ से देने जा रहा था बट नीचे वाले दूसरे वाले ने मुझे भाई भर दिया और कोरोना भी था भाई ये बंदा भाई दूसरे तरह से एंगल लेने का ट्राई कर रहा था और मैंने जल्दी से भाई पीछे आया भाई इसे एक बॉडी देने की ट्राई की बट तब तक मैं ये तो भाई नीचे आ गए थे और भाई ये मेरा नीचे आने का पूरा ट्राई कर रहा था तो अब भाई मैंने ली अपनी MP5 बट भाई मैं पहले उस पर एंगल लेने का ट्राई कर रहा था वो उसने भाई लिया नहीं दिया भाई ने इसे नॉक किया उसे फिनिश करने ही वाले थे कि भाई लगता है उसके बाद भी चिंपैंजी पेट है इसलिए उसने भाई बहुत दूर से ही ब्लू वॉल लगा दी अब भाई मैं अपने चिंपैंजी पेट का कमाल दिखाऊंगा और ग्रेनेड मारूंगा एक गर्दा वाला भाई देखो पहला वाला ग्रेनेड भाई ओवर कुक हो जाता है इसलिए भाई वो पहले हवाई में फट जाता है देख सकते जैसे कि आप बट भाई ये दूसरा वाला ग्रेनेड तो भाई मतलब कतई किलर ग्रेनेड था भाई ये भाई इसी ग्रेनेड के साथ ये दोनों भाई बंदों की कहानी हुई समाप्त और निकल चुका हम लोग का सोलो वर्सेस डुओ में बुया OP 6 किल्स के साथ भाई मैं मिलूंगा कल एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय।